ये तस्वीर है कोटा के महावीर नगर इलाके के प्राइवेट अस्पताल के बाहर की, जहां जमीन पर पटक कर पेशेंट पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। आरोप यह है कि पेशेंट निजी अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर को दिखाने के लिए आया था, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाने के कारण पेशेंट ने विरोध किया। इस दौरान अस्पताल के अंदर हंगामा हुआ तो कर्मचारियों और पेशेंट के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पेशेंट वो कर्मचारियों के बीच गुत्थम गुत्था वो हाथापाई अस्पताल के बाहर तक पहुंच गई। अस्पताल के बाहर भी अस्पताल के कर्मचारी पेशेंट के ऊपर लाते मारते हुए दिख रहे हैं। अस्पताल के आसपास मौजूद लोगों ने आपस में झगड़ रहे पेशेंट व कर्मचारियों को छुड़ाने की भी कोशिशें की, लेकिन काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। श्रेयस नाम के पेशेंट ने डॉक्टर व कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी कर्मचारियों के साथ मारपीट वो अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पेशेंट के खिलाफ रिपोर्ट दी है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो ढाई घंटे तो बैठ नहीं सकते, दो ढाई घंटे से खड़े थे, तो पूछा कि कितनी देर और लगेगी। उसके डॉक्टर साहब ने पहले बदतमीजी करी और साहब उनका बूढ़ा होता गया, तो मैंने बोला मेरे दर्द ज़्यादा हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। बात बढ़ा के उन्होंने उनके डॉक्टर दर्शन गौतम हैं इंडियन स्पाइन हॉस्पिटल के रंगवाड़ी में, उनके और उनके स्टाफ के कर्मचारियों ने मारपीट करना शुरू किया। पहले हाथ पाँव से मारा, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा तो उससे मारा, फिर वहाँ से निकल के जब हॉस्पिटल के बाहर जाने करे तो फिर लोगों को बुलाकर फिर और मारपीट करी। नाम बता दें आप। श्रेयस। साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। जैसे आप देखेंगे कि वो व्यक्ति यहाँ हमारे जो कर्मचारी है उसको ही मारने के लिए आ रहा है और ये उसने उसकी मारपीटाई शुरू कर दी और बाकी सब व्यक्ति उसको मारपीट से बचाने के लिए इनको दूर कर रहे हैं। तो संक्षेप में जब व्यक्ति ओपीडी में दिखाने आता है तो कई बार उसको जो थोड़ा सा समय लगता है कि पहले किसी व्यक्ति को देख रहे हैं उसके बाद उसका नंबर आएगा तो वो धैर्य खो के आवेश में आता है, पर हजार में एक व्यक्ति जो कर्मचारी ड्यूटी पे उसी की पिटाई करने लग जाता है। तो हम लोगों ने उसमें बीच बचाव की कोशिश करी और तुरंत महावीर नगर थाने में सूचना दी कि भाई आप आए और जो व्यक्ति ये असामाजिक कार्य कर रहा है इसको लेके जाए, और पुलिस का नाम सुनते ही वो भागने की लग गया। तो जो बाकी मरीज के परिजन वगैरह हैं उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, ये भागे नहीं, ये घटना है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।